नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमिफ्रू टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एमिफ्रू टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एमिफ्रू टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एमिफ्रू टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में एमिफ्रू टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। एमिफ्रू टैबलेट का उपयोग ब्लड प्रेशर और शरीर में सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से लकवा लगने का, दिल का दौरा पड़ने का और किडनी खराब होने की समस्याएं होने का जोखिम अधिक हो जाता है। शरीर में लीवर, किडनी और दिल से संबंधित बीमारियां होने की वजह से पैरों या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है, इसलिए सूजन को कम करने के लिए भी डॉक्टर एमिफ्रू टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। एमिफ्रू टैबलेट डाययूरेटिक ड्रग क्लास की दवा है। डाययूरेटिक दवाइयां शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालती है। एमिफ्रू टैबलेट को लेने के बाद पेशाब अधिक आता है, इसलिए डॉक्टर एमिफ्रू टैबलेट को उन लोगों को भी लेने की सलाह दे सकते हैं जिन व्यक्तियों को कोई किडनी से संबंधित समस्या है या जिन लोगों की किडनी अच्छी तरह से काम नहीं करती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एमिफ्रू टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। एमिफ्रू टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर एमिफ्रू टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सलाह देते हैं। एमिफ्रू टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है, इसलिए आपको एमिफ्रू टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना एमिफ्रू टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एमिफ्रू टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एमिफ्रू टैबलेट की वजह से कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में एमिफ्रू टैबलेट की वजह से चक्कर आ सकते हैं, सिरदर्द हो सकता है, कानों में कुछ बजने की आवाज आना और आँखों में धुंधलापन हो सकता है। इसके अलावा एमिफ्रू टैबलेट की वजह से नींद अधिक आना, पेट में बेचैनी, दस्त और शरीर में कमजोरी हो सकती है। एमिफ्रू टैबलेट की वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का संतुलन बिगड़ सकता है। अगर आपको एमिफ्रू टैबलेट को लेने के बाद शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन, उल्टी आने का मन होना और मुंह में सूखापन होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। एमिफ्रू टैबलेट की वजह से शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा हो सकती है। शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा होने पर किडनी की कार्य प्रणाली बिगड़ सकती है। इसके अलावा एमिफ्रू टैबलेट की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। एमिफ्रू टैबलेट की वजह से अन्य साइड इफेक्ट्स भी पॉसिबल है। अगर आपको एमिफ्रू टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एमिफ्रू टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में एमिफ्रू टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। एमिफ्रू टैबलेट को शाम के 4 बजे के बाद लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि एमिफ्रू टैबलेट को लेने के बाद पेशाब अधिक आता है। अगर आप एमिफ्रू टैबलेट को शाम के समय लेते हैं तो आपको रात के समय बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने एमिफ्रू टैबलेट को शाम को लेने की सलाह दी है तो आप एमिफ्रू टैबलेट को शाम के समय ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पेशाब नहीं आ रहा है या जिन व्यक्तियों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वजह से पेशाब कम आ रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए एमिफ्रू टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है और ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर की सलाह के बिना एमिफ्रू टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को एमिफ्रू टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को
एमिफ्रू टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं एमिफ्रू टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एमिफ्रू टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एमिफ्रू टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एमिफ्रू टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एमिफ्रू टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।